गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में दो चरणों 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। यानी लगभग एक महीने बाद यह तय हो जाएगा कि इस बार गुजरात की गद्दी पर 27 सालों से सत्ता पर राज कर रही बीजेपी का ही कब्जा रहेगा या जनता किसी और को ये कुर्सी सौंप देगी। ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में पार्टी राज्य की सत्ता हाथ से गंवाने की कोई गलती नहीं करेगी। बीजेपी इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि राज्य में उसकी छवि पहले जैसी ही है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। वो 27 साल से सत्ता में है और लगभग 50% वोट आज भी उसी के पास है। यहाँ 182 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। इस बार के चुनाव में ये तीनों दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, साथ ही इन दलों के नेता जीत को लेकर अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं। इस बीच चुनाव से पहले एक सर्वे आया है, इसके अनुसार इस बार भी राज्य में भाजपा आसानी से सरकार बनाने जा रही है। सर्वे के अनुसार इस बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में 120 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस को 50 से कम सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा खतरा है, वह पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी से भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। बता दें कि पाटीदार आंदोलन की आग इस बार शांत है। पाटीदार आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के साथ थे। बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 99 सीटों पर ही सिमट गई थी। उस चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से जबरदस्त चुनौती मिली थी। 2017 में कांग्रेस ने 2.57 की बढ़ोतरी के साथ ही 2012 के मुकाबले 16 सीटें बढ़ाते हुए 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को 2012 के मुकाबले 1.15% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटें 115 से घटकर सिर्फ 99 रह गई थी। हालांकि कुछ समय बाद ही कांग्रेस के 14 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, इससे कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। बीजेपी के बाद अगर राज्य में कोई दूसरी बड़ी पार्टी है तो वो है कांग्रेस। अगर कांग्रेस की सीटों की बात करें तो ये हर विधानसभा चुनाव में बढ़ती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस ने 2002 में 39.8% वोटों के साथ 51 सीटें जीती थी। उसके बाद 2007 में 59 सीटें, 2012 में 61 सीटें और 2017 में 77 सीटें हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।